जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इश्ताक साहब कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। गांदरबल का वाइस सितारा, इश्ताक तुम्हारा हमारा है। नारा है, नारा है, मिशन शेर ए कश्मीर, मिशन शेर ए कश्मीर। इंशाल्लाह हम शेख इश्ताक को धोखा देने वाले नहीं है, ना धोखा होगा, ना कोई धोखा दे सकेगा। चैलेंज हज से कोर सही या गलत ये फैसन ये अस मंजूर मन तुम ब्ल प्रेजिडेंट तुम तो हाई कमानस। एक पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीर कि हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख इश्ताक साहब को मजबूत बनाकर अपनी इज्जत को बचा दे। आज का नौजवान पढ़ा लिखा है, इसके पास शऊर है, ये माशाल्लाह दीनी और दुनियाई तालीम से भी सरशार है। ने शेख अब्दुल्ला के साथ वादा किया था और चलने के लिए तैयार थे। इस पार्टी को, इस तहरीक को हमने तारीक समझकर पार्टी को चलाया है। इश्ताक साहब से दिलो जान मालो जान करनी है, लोगों से जुड़ना है और वहाँ इंशाल्लाह आज ही ब्लॉक प्रेसिडेंट का भी ऐलान होगा, डे प्रेसिडेंट उनका भी ऐलान होगा, हल्का प्रेसिडेंट बाबाकुम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 116वां योम पैदाइश और हमने उनके मजार पे जाके आज सुबह सुबह वहाँ फातिहा खानी की, उनको खराज अकीदत किया और उसके बाद हमने यहाँ वर्कर्स की एक मीटिंग रखी ताकि वहाँ उनको हमने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो इस कौम के लिए किया है उनको खराज अकीदत किया और वो जो उनके कारनामे हैं वो हमने हाईलाइट किए लोगों के सामने, या चाहे वो लैंड टू टिलर हो, चाहे यहाँ जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म करने में हो, यहाँ हेल्थ सेक्टर में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन सेक्टर में, या और भी जो यहाँ एक इज्जत नफ्स इसने जम्मू कश्मीर के कौम को यहाँ दी, वो शेर कश्मीर और उनके साथियों ने जो उस वक्त कुर्बानियाँ दी, जिसमें गांदरबल से हमारे मरहूम शेख अब्दुल जब्बार साहब थे जिन्होंने 14.5 साल उनके साथ जेल खानों में गुजारे, वो हमने लोगों के सामने रखा और हमने अहद किया कि शेर कश्मीर का जो असल मिशन है उसको हम आगे ले जाएंगे। और जो इस वक्त लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस मिशन से दूर होती जा रही है, जो बेसिक जो हमारे जियाले हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे जो जिन्होंने कुर्बानियां दिए जमात के लिए, आज कहीं ना कहीं वो अपने आप को आइसोलेट पा रहे हैं या अपने आप को वो अलग थलग से पा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस प्लेटफार्म को और मजबूत करने की और रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो असल एजेंडा है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और काम करेंगे। और हमने वर्कर्स से भी यही कहा कि पार्टी को बुनियादी सतह पे मजबूत कीजिए, ये मत देखिए आपकी यहाँ जलसे जुलूस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डोर टू डोर जाना है।